अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे सूट से मेजरमेंट लेके कुर्ती की कटिंग हम कैसे करें या सूट की कटिंग हम कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने ये सूट लिया है, देखिए इसका स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। इसका वीडियो मैंने बनाया है अपने चैनल पर, ये मेरी स्टिच की हुई सूट है, तो लिंक मैं आई बटन पर डाल दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा बैठा लेंगे, उसके बाद हम कंधे पर टेप रखेंगे, इंची टेप, और वहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो हमें इस तरह से इंची टेप रखना है। तो सबसे पहले हमें हर चीज़ की लेंथ ले लेनी है। तो हमने ये पूरी लेंथ ली है, पूरी लेंथ हमारी आई है 41 इंच, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ से टेप को यहीं रख देंगे, ठीक है, इस तरह से रख लेंगे कोई चीज़, जैसे मैंने कैंची रख दी है, ये टेप इसी तरह रहेगा। और उसके बाद हम सारी चीज़ों की लेंथ ले लेंगे। तो हम कंधे से यहाँ तक लेंगे, आर्म होल की लेंथ यानी चेस्ट की लेंथ 7 इंच है हमारी यहाँ से। फिर यहाँ से हम नापेंगे, देखिए बस्ट की लेंथ 10 इंच पे आ रही है, तो ये 7 इंच यहाँ पर ही बस्ट की लेंथ है, देख लीजिए 7 इंच से बस्ट की लेंथ आ रही है 10 इंच पे, ओके। उसके बाद कमर की लेंथ आ रही है, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पर ही कमर के पास थोड़ा सा घुसा हुआ है ना, वहीं पर ही कमर की लेंथ आ रही है 13.5 इंच पे। और ये है हिप की लेंथ, जिसकी लेंथ आ रही है 17.5 इंच पे। तो इस तरह से आपको लेंथ ले लेनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, ये लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबका एक ही जगह पे नहीं होता। देखिए अभी मैंने यहाँ पर ही कमर का लेंथ देखा तो 13.5 इंच था, किसी का 15 पे होता है, किसी का 14 पे होता है। तो ये लेंथ ज़रूर ले लेना है, कोई भी कपड़ा सीएँ या बॉडी से मेजरमेंट ले, लेंथ हर चीज़ की लेनी है। तो इस तरह से मैंने देखो चेस्ट लेंथ ले लिया 7 इंच, और इसकी फुल लेंथ आ रही है 41 इंच आ रही है, 44 फैब्रिक में आ रही थी। तो इस तरह से अब हमें गले ना, गला कटा हुआ तो वो फैल जाता है, इसलिए अच्छे से उसको समेट के एकदम अच्छे से बैठाना है। उसके बाद हमें तीरा का नाप लेना है, तो तीरा का नाप मैंने लिया तो 11.5 इंच आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा दोनों साइड आर्म होल पे हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा यहाँ पर ही, इसीलिए हम 1 इंच और प्लस करेंगे तीरे पर। जब भी हम कपड़े से मेजरमेंट लें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि हमने जितना लेंथ ली, जितनी नापी ली है ना, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। अब देखिए, अब उसके बाद हम चेस्ट की लेंथ नापेंगे, चौड़ाई नापेंगे। तो हमने इस तरह से नापा है तो हमारा 18 इंच आ रहा है। और उसके बाद हम कमर की चौड़ाई नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 17 इंच। और फिर हमें हिप की चौड़ाई नापनी है तो ये देखिए ये है 20 इंच, ठीक है। उसके बाद हमें दामन की भी चौड़ाई नाप लेनी है, क्योंकि हमें बिल्कुल स्ट्रेट दामन नहीं बनाना है, थोड़ा सा चौड़ा बनाना है। तो इसमें भी चौड़ा ही बना हुआ है, तो इस तरह से हम नापेंगे तो ये 23 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमें सूट की सारी नापी ले लेनी है। अब हम स्लीव्स की नापी लेंगे। तो आस्तीन के लिए हम देखिए यहाँ से आर्म होल की गुलाई की नापी लेंगे। तो हमने यहाँ से लिया है, ये आर्म होल पूरा बन रहा है 9 इंच पे, हमें आस्तीन में इसी तरह से काटना है, इसलिए ये 9 इंच पे बन रहा है। ऊपर से हमने लेनी है लेंथ, तो लेंथ हमने लिए 20 इंच, आप चाहे तो उससे कम भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और आस्तीन की बाहीं की नापी हमें इस तरह से लेनी है, तो जो भी नापी है बस एग्जैक्ट उतनी नापी हमें लगानी भी है। तो हमने यहाँ पर ये 9 इंच ली है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, जितनी बाहीं आपको बनानी है। अब हम लेंगे गले का नाप, तो गले का नाप यहाँ से रख करके इस तरह से लेंगे, और कटिंग करने टाइम भी फिर हम इसी तरह से यूज़ करेंगे कटिंग करने के लिए। तो हमें गले को थोड़ा छोटा करना है, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। हम आपको कटिंग में बताएंगे कि हमने गला कितना रखा है, इसमें तो 7 इंच आ रहा है, पीछे का गला 5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें गले को छोटा रखना है, इसीलिए हम इसमें आपको नहीं बता रहे कि हमें गले कैसे रखना है। तो चलिए सबसे पहले मेजरमेंट ले लिए हैं, कपड़े को बैठा लेते हैं, उसके बाद हम जान लेते हैं थ्योरी कि हमें किस तरह से उसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम पहले कपड़े को बैठा लेते हैं। ये है हमारा सूट पीस, पाकिस्तानी सूट पीस है, प्रिंटेड है। तो देखिए इसके नेक पे ऊपर जगह ही नहीं है कि हम नेक उतना ही पे बनाएं, इसलिए नेक हमें अलग करना होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट वाले पार्ट से, तो फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अच्छा, इस तरह से प्रिंटेड सूट हो तो कोशिश करें कि फैब्रिक को अलग अलग काटे, साथ में मिला के ना काटे बैक और फ्रंट का पल्ला, क्योंकि इस तरह से फिर आपकी जो डिज़ाइनिंग है ना, उसका प्रिंट इधर उधर हो सकता है,
हिल सकता है, यानी बराबर से नहीं बैठेगा, इसलिए फ्रंट वाले पार्ट को अलग काटें और बैक वाले पार्ट को अलग काटें। तो देखिए अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हमने सूट का निशान मार्किंग कर लिया है। तो हमें देखिए कंधे से चेस्ट तक जो लेंथ ली है वो 7 इंच ली है, ठीक है। फिर कंधे से हम आएंगे बस्ट तक, तो बस्ट की नापी मैंने ली है 10 इंच पे, यानी उसमें 10 इंच का नापी आया था, तो उसके बाद हम बस्ट की नापी लेंगे 10 इंच पे। फिर वहीं से हम आएंगे कमर के साइड, कमर के हम नापी लेंगे 13.5 इंच पे जो आई है। अब हम लेंगे हीप की मेजरमेंट लेंथ, यानी अभी हमें सब चीज़ की लेंथ ले लेनी है। तो लेंथ मैंने ली है ये हीप की, ये आई है 17.5 इंच। उसके बाद हम वहाँ से टोटल लेंथ ले लेंगे। तो टोटल लेंथ जो भी आपके सूट में आ रहा आप वही ले लें, ऐसे इसमें 41 आ रहा था। अब हम तीरा नापेंगे, तो तीरा मैंने बता दिया कि सिल्क के जितना आ रहा है उसमें हम 1+ करेंगे, क्योंकि हमें आर्म होल में सिलाई करनी है। तो सिल्क के उसमें 11.5 आ रहा था नापा जब, तो यहाँ पर ही हमारा सिलाई होगा, इस वजह से हम 1 इंच इसमें और प्लस करेंगे, तो हमें तीरा मिलेगा 12.5 इंच। हमें 12.3 इसलिए मिला क्योंकि नेक बड़ा था, डीप था, लेकिन जब हम गले को छोटा बनाएंगे तो हम उसमें भी कुछ चेंजिंग करेंगे। अब हम चेस्ट की चौड़ाई नापेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो इसकी चौड़ाई आएगी चेस्ट की 18 इंच। हमें कपड़े को थोड़ा सा फिटिंग करना था, यानी ये फैब्रिक बहुत लूज़ था जो सिला हुआ था, इसे हमें थोड़ा सा फिटिंग करने बोला गया, तो मैंने 1 इंच उसमें से माइनस कर दिया। तो माइनस किया तो हमारा आया 17 इंच। अब 17 इंच को मैंने 2 से डिवाइड किया। जी हाँ, कपड़े से जब भी आप मेजरमेंट ले 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो गाइस ये वीडियो मेरा ना बिगनर्स के लिए होने वाला है, तो बिगनर्स इसे ज़रूर वॉच करें, उस दिन समझ में आ जाएगा कि कपड़े से हम कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं कपड़े से नापी लेके। अब हम कमर की नापी लेंगे, बस्ट की नापी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस्ट का सेम वही चेस्ट का नापी है, दोनों बराबर ही था, इसलिए मैंने बस्ट की नापी नहीं ली है। जो चेस्ट का नाप है वही बस्ट का नाप है, तो सेम हो गया ये दोनों। उसके बाद हम कमर का नापी लेंगे, तो कमर का निकला था 17 इंच, उसमें भी हमें 1- करना है, यानी सब तरह से हमें 1- करना है, सिर्फ तीरे को छोड़ के। कभी भी फिटिंग लूज़ करना हो या ढीला करना हो तो हर चीज़ हर जगह से ढीला करें कपड़े को या फिटिंग करें, लेकिन तीरा सेम रखें क्योंकि तीरा वही रहता है, और तीरा जितना कम रहेगा ना उतनी अच्छे से वो बैठता भी है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो देखिए अब हम हीप की भी चौड़ाई लेंगे, तो उसमें भी हम 1- कर देंगे और फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने हीप की नापी ली थी 20 निकला था, तो उसके बाद मैंने उसमें 1- किया तो 19 आया, उसे 2 से डिवाइड किया तो 9.5 आया। अब यही मेजरमेंट से हम सूट की कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये आर्म होल हमारा आया है 9 इंच। यहाँ से लेंथ मैंने ली थी तो 20 इंच था, और बाहीं की जो भी नाप निकलेगा उसी पे हम निशान लगाएंगे। हम गोलाई से नहीं नाप रहे हैं जो उसको हाफ़ करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें बस सीधा सीधा नापना है और वही नाप हमें लगा देनी है। तो बाहीं का नाप हमारा निकला था 9 इंच, बेल स्लीव्स बन रही है इसीलिए। तो गाइस इसका स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, दामन की बहुत अच्छी डिज़ाइन बनने वाली है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर चाहे, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो औरों तक इसे शेयर ज़रूर करें। तो देखिए इसकी लेंथ मैंने नापी, तो इसकी लेंथ है 43 इंच। तो 43 इंच है, तो सिल्क के लगभग वैसा आ ही जाएगा, और प्लस हमें दामन में डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए हमने पूरे लेंथ की मेजरमेंट नहीं की है, जो इसमें है वही लेंथ दे दिया है। बस ऊपर से हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एक से निशान लगा लेना है, क्योंकि कपड़ा ऊपर से ज़्यादा कम कटा हुआ है, तो उसे हम बराबर करने के लिए निशान लगा देंगे स्केल की। उसके बाद हम 1/2 इंच छोड़ेंगे मार्जिन, और 1/2 इंच हम कंधा डाउन करने के लिए। तो इस तरह से हम तीनों में निशान लगा लेंगे स्ट्रेट। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर आप वीडियो की सूट की कटिंग जानना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें, और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बता रही हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।
तो देखिए मैंने इन तीनों लाइन पे निशान लगा लिया सीधा। अब यहाँ से हम चेस्ट की लेंथ ले लेंगे 7 इंच पे, फिर वहाँ से बस्ट की लेंथ लेंगे 10 इंच पे, उसके बाद हम ले लेंगे 13.5 इंच पे कमर की लेंथ और 17.5 इंच पे हिप की लेंथ। अब इन सब लेंथ को हम निशान सीधा निशान लगा लेंगे, इन सब निशानों पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से तो मैंने, और उसके बाद हम सारी लेंथ वैसे ही छोड़ देंगे जितनी हमारी नीचे लेंथ है। अब यहाँ से तीरे की चौड़ाई लेंगे, तो हमने जैसे बताया था कि हमारा 12.5 निकला प्लस करने के बाद, लेकिन क्योंकि हमें गला थोड़ा सा छोटा रखना है, वो डीप नेक था जिससे मैंने नापी ली थी, तो उसमें तैयार किया जब मैंने प्लस करके तो 12.5 निकला, लेकिन हमें इसमें गला छोटा रखना है तो हम इसमें 2 पॉइंट यानी 2 सूत, 1 सूत और इसमें ऐड करेंगे, तो हम यहाँ 6.5 पे तीरे को काटेंगे। ठीक है, तो गला डीप नहीं है इसलिए हम इसे थोड़ा सा तीरा बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ 6.5 पे निशान लगा लिया और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे चेस्ट तक का। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का जैसे मैंने बताया था 18 से मैंने माइनस किया 1, तो हमारा 17 निकला और 17 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो निकला 8.5। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे। देखिए अगर आप प्लस माइनस नहीं कर पाए तो बस डायरेक्ट ही ऐसे देखें 17 पॉइंट पे, इस तरह से घुमा के टेप को लाए और यहाँ से देखें हमारा आ गया 8.5। हाफ़ में हाफ़ निकालना है, जब भी कपड़े से नापी ले तो हाफ़ ही मेजरमेंट करना है। उसके बाद हम यहाँ से 8.5 पे निशान लगाएंगे। बस्ट का तो सेम साइज़ है तो सेम साइज़ पे ही निशान लगा लेंगे। ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे इस तरह से। ये वाली निशान मैंने गलती से लगा दी थी तो ये नहीं लगानी है आपको। ठीक है ना, सेम साइज़ पे निशान लगाना है 8.5 इंच पे, हो गया। अब ये कमर के साइड पे आए तो कमर पे भी हम उसी तरह से निशान लगाएंगे जो हमारा डिवाइड करके निकला था, तो हमारा निकला था 8.8 पॉइंट, तो मैंने यहाँ 8 पॉइंट पे निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम हीप का निशान लगाएंगे, तो हीप का भी मैंने निकाला था 9.5 इंच। देखिए ये 19 इंच है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये निकलेगा 9.5 इंच। तो हम यहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये सारे निशानों को मिला देंगे इस तरह से और उसके बाद स्केल रख के हम दामन का निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम दामन की चौड़ाई लेंगे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लिया है हिप से, मैंने यहाँ पे लिया है 10 इंच और इस तरह से इसे मिला देंगे। ठीक है, अब हमें लगाना है आर्म होल का निशान, तो आर्म होल के लिए हम 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे 1 इंच पे और इसे हम ऊपर कंधे से मिला देंगे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके। और उसके बाद हमें गोलाई डालने के लिए सबसे आसान तरीका ये यूज़ करना है कि यहाँ से हमें चेस्ट की लेंथ, इसकी लेंथ लेनी है और लेंथ का बिल्कुल हाफ में निशान लगाना है और वहीं से हमें गोलाई घुमाते हुए आनी है। अगर आप ये ना कर पाए तो मैंने एक फ्रेंच कर्व के बारे में बताया था अपने पहले वाले वीडियो में, वो वाला आप यूज़ कर ले, उससे गोलाई अच्छी डलाती है। हाफ इंच हम कंधे को इस तरह से डाउन कर देंगे और इसको ऊपर की साइड ला के मिला देंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे, तो मैंने जैसे बताया था कि मैं इसमें शॉर्ट नेक बना रही हूँ, छोटा गला बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा दूंगी और यहाँ से मैं लगाऊंगी 2.5 इंच पे। ठीक है, जब आप लॉन्ग गला बना रहे हो यानी डीप गला बना रहे हो तो आप 2 इंच पे निशान लगाएं यहाँ से, और अगर आप शॉर्ट नेक बना रहे हो तो आप यहाँ 2.5 इंच पे लगाएं। ठीक है, तो हमें यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि हम शॉर्ट नेक बना रहे हैं। इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर हम रख करके नापेंगे 4.5 कहाँ आ रहा है। तो देखिए 4.5 हमारा थोड़ा सा और नीचे आ रहा था,
तो हम यहाँ पर ही 4.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे स्क्वायर शेप दे करके गुलाई डाल देंगे, गोल शेप भी दे देंगे। तो गला हमारा इसी तरह से कट, क्योंकि गले पे आप देख रहे हैं ये बॉट नेक का निशान था लेकिन कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है, ये तो गला इसमें बनेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने इस तरह से गले की कटिंग की है। और अगर आप बॉट नेक बनाना चाहते हैं थोड़ा सा गहराई डाल के, तो एक बात का ध्यान रखें कि जब आप बॉट नेक बनाएंगे ना, तो यहाँ से आप 4 इंच की विड्थ लेंगे गले की, और तीरे में भी हम 1/2 इंच और ऐड करेंगे जो भी आपका मार्जिन आ रहा है, मतलब तीरा आ रहा है, ठीक है, 1/2 इंच और ऐड करेंगे और यहाँ से 4 इंच की विड्थ लेंगे, और उसके बाद 4 इंच की गहराई डाल के बॉट नेक बना देंगे। तो मुझे बॉट नेक नहीं बनाना था इसलिए मैंने इस तरह से निशान लगाया, तो इसी तरह से मैं निशान लगाऊंगी और इसी निशान पे मैं कटिंग करूंगी। बॉट नेक के लिए आप 1/2 इंच बढ़ा सकते हैं, और गले की विड्थ आप जब भी काटें तो 4 इंच पे काटें। तो चलिए हम इस पर अब कटिंग करते हैं। अब हम यहाँ से 1-1 इंच मार्जिन ले लेंगे कपड़े के लिए कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो हम इस तरह से 1-1 इंच पे मार्जिन दे करके निशान लगाएंगे और कपड़े की कटिंग करेंगे। और स्केल से देखिए, मैंने बस ये वाले निशान पे रखा है स्केल को और दूसरी साइड पे निशान लगा दिया, तो ये हमारा दामन के लिए भी मार्जिन हमें मिल गया। ये देख ले, ये इस तरह से मैंने निशान लगा दिया, यानी स्केल हमारा 1.5 इंच का है, इसलिए 1.5 इंच की मार्जिन हमें मिल गई दामन पे। अब हम इसे कट करेंगे। इस सूट का दामन का डिज़ाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम बैक का पल्ला कट करते हैं। तो बैक वाले पल्ले को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है, और इसके फ्रंट वाले पल्ले को इसके ऊपर इस तरह से बिछा दूंगी, और उसके बाद हमें सेम यही नाप पर कटिंग करना है, सिर्फ हमें गले और आर होल में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए हम गले का चेंजिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ से ना इस तरह से नापेंगे 1 इंच पे, 1 इंच पे निशान लगा के, यानी 1 इंच छोटा कर देंगे गले को, और फिर उसी गोलाई पे हम मिला देंगे, और यहाँ से भी 1 इंच का डिफरेंट ले करके हम बस यहाँ से यहाँ तक वहीं पर ही मिलाएंगे, दोनों साइड पे सेम रहेगा, सिर्फ सेंटर पे यहाँ पर ही 1 इंच बढ़ा हुआ रहेगा, और इस तरह से हम कट कर लेंगे। सेम इसी नाप पे कट करेंगे, सिर्फ गले और आर्म होल में थोड़ा सा चेंज किया है मैंने बस। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो हम अब सेम नाप पे इस तरह से कट कर लेंगे। हमारा हो चुका है सूट कटिंग। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स देखिए, इस पाकिस्तानी सूट में इस तरह से देता है, 4 पल्ला दिया है इसमें, तो इसमें 2 आस्तीन निकलेंगी, तो इस तरह से हम रखेंगे। अगर आपकी प्रिंट ना अच्छी है, फिनिशिंग से है, अच्छी है, सीधी ये प्रिंट है, तो आप इस तरह से 4 फोल्ड करके आस्तीन को काट सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ओपन है और एक साइड से फोल्डेड है, और जिस तरफ ओपन है उधर हमें लैस लगाना होगा, क्योंकि ये ऊपर के साइड में, आस्तीन के ऊपर के साइड में ओपन आएगा। लेकिन देखिए, मैंने जो फैब्रिक लिया है इसकी प्रिंट ना थोड़ी सी आड़ी तिरछी है, तो मैं इसे अलग कर दूंगी ताकि मैं बॉर्डर को सीधा कर सकूं। एक्चुअली ये स्लीव्स है इसलिए इसे थोड़ा सा तिरछा भी कट करेंगे तो चलेगा, स्लीव्स बैठ जाता है तिरछा कट करने पर भी, सूट नहीं बैठता। तो हम इस तरह से दोनों को अलग कर लेंगे काट करके, और ये बॉर्डर को हम मिलाएंगे आपस में। कपड़ा चाहे तिरछा हो जाए चलेगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये आस्तीन है, तो आस्तीन में चलता है वो अच्छे से बैठ जाता है। तो हम इन दोनों बॉर्डर को अच्छा से मिला लेंगे आपस में, और उसके बाद देखिए जब हमने बॉर्डर को मिलाया तो ये कपड़ा इस तरह से हो गया, एक इधर भाग रहा है दूसरा उधर भाग रहा है।
तो इस तरह सही रख के हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन को स्केल की मदद से निशान लगा के सीधी कर लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को सीधी कर लेंगे स्ट्रेट लाइन पार करके, और हाफ इंच हम सिलाई की मार्जिन के लिए भी छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें लेस से इसे अटैच करना होगा, लेस लगा करके, जॉइंट लेस लगा के, इसलिए हमें इसे यहाँ से हाफ इंच सिलाई के लिए मार्किंग छोड़नी होगी। उसके बाद हम यहाँ से 7 इंच, देखिए हमें पूरा मोढ़ा बनाना है 9 इंच का, और हमारे चेस्ट की लेंथ आ रही थी 7 इंच, तो हम 7 इंच में 1+ कर देंगे। ठीक है, 1+ करके हम यहाँ निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद हम यहाँ से गहराई लेंगे 3.5 इंच की। तो इस तरह से हम 3.5 इंच की जब गहराई लेंगे ना, तो आर्म होल की गोलाई डालने पे हमारा पूरा 9 इंच का गोलाई निकलेगा। तो मैंने बता दिया चेस्ट की लेंथ मैंने ली थी 7 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, और बाहीं जो भी मैंने नापा था वहीं निशान लगा दे रही हूँ 9 इंच पे। 9 इंच की बाहीं मैंने नापी थी, 9 इंच पे निशान लगा दिया मैंने। अब ये वाली स्केल की मदद से हम इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे तो हमारा स्लीव्स बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से कटिंग होगा, शेप अच्छी आएगी उसकी। और उसके बाद हम यहाँ से गोलाई डालना शुरू करेंगे आर्म होल की गोलाई कैसे डालते हैं ये जानना है तो मेरे वीडियो को वॉच कीजिए जो मैंने आई बटन पे दे रखा है। अब यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और फिर से हम ये स्केल से निशान लगा देंगे बराबर से, और अब हम इसे कट करेंगे। और अगर आप इस तरह से लूज़ नहीं पहनना चाहते, चाहते हैं कि थोड़ी सी फिटिंग रहे, तो इस गोलाई को यहाँ से थोड़ा सा और गहरा कर दें तो ये हमारी फ़िटिंग की साइज़ लग जाएगी। और यहाँ से हम 1 इंच का डिफरेंट लेकर के अंदर की साइड फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये आर्म होल की कटिंग कैसे होती है इसका वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर लें। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई डाल देंगे और इसकी मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम नापेंगे गोलाई, तो हमारी बिल्कुल 9 इंच की गोलाई बनी है जितना हमने नापा था सूट में। ठीक है, यहाँ से मैंने 8 इंच का सीधा लाइन दिया, उसके बाद गहराई लिया 3.5 इंच का, और जब मैंने गोलाई डाली तो ये 9 इंच की गोलाई बन गई। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम कट करके सीधी कर लेंगे। तो हमारा सूट बिल्कुल कट हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए स्टिचिंग का वीडियो मैं अलग से डालूँगी, उसके लिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमने आज बहुत कुछ सीख लिया। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर दे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।